से संजना की फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। उसकी फिल्म की शूटिंग जितनी जल्दी रोक सकते हो रोक लो। मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है और मैं तुमसे बात ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? बस देखते जाओ, खेल तो अब शुरू होगा संजना गुजराल। मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनिट का हर एक्टर हर टेक्नीशियन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और ये मेरी चेतावनी है, याद रखना तुम लोग। आपको जो ठीक लगता है वैसा कीजिए। अरे बेटा, लेकिन तेरी मर्जी जानना भी तो बहुत जरूरी है ना। अरे आजकल के लड़के लड़कियां तो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर लेते हैं, और तुम हो कि अभी तक। लेकिन माँ, आप मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचोगे? आप, पापा, भैया, अब सब लोग मेरे साथ हो तो मैं क्यों डरूं? आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे ना? ठीक है अविका, मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं देखती हूँ, लड़के से बात करती हूँ, उसके परिवार वाले से बात करती हूँ, मैं उनको जानने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझे ठीक लगा तब मैं तुझसे कहूँगी। जी माँ, बट माँ मैं एक बात कहूँ, मैं चाहती थी कि पहले प्रेम भैया की शादी हो जाती, प्रेम भैया और विधि। बेटा, ये तो हम भी चाहते हैं कि विधि और प्रेम की शादी हो जाए, लेकिन विधि और प्रेम का रिश्ता तो हर एक बंधनों से आगे बढ़ चुका है, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। लेकिन बेटा, तुम्हें तो अब भी अपना जीवन साथी चुनना बाकी है ना? ठीक है माँ, अब मैं जाऊं? अच्छा पापा, तुम जाओ, लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना खा लेना। हाँ माँ, ठीक है, बाय माँ। बाय बेटा। माँ, मैं तो चाहती हूँ तुम्हें कोई लड़का पसंद ना आए, वरना मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी ना। चुप, ऐसा नहीं कहते। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिले, बिल्कुल राजकुमार की तरह। और हाँ, वैसे भी तुम्हारी अगर शादी हो जाएगी तो तुम हमसे दूर थोड़ी ना चली जाओगी। तुम्हारा इससे बेटर है घर जमाई ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो बॉबी जा, वरना लेट हो जाएगी। जी माँ। बाय माँ। बाय बेटा। अभी का बेटा, इतनी अच्छी और इतनी भोली भी मत बनो, दुनिया की अच्छाइयां और बुराइयां समझना सीख लो अब, क्योंकि कभी कभी माँ बाप के कुछ कुछ फैसले सही नहीं होते हैं। मंदिर गया था। अरे मुझे कहते तो मैं भी आती साथ में। अरे तुम्हें क्यों बोलता? एक्चुअली मुझे भगवान के साथ कुछ पर्सनल बातें करनी थी। अच्छा, ऐसी क्या बातें करनी थी? यार मेरे और भगवान के बीच की बातें तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, कल से तुम्हारी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है ना, उसके लिए प्रार्थना करने गया था। जानती हूँ। God bless you। कल से तुम्हारी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, बस इस बार कोई विघ्न ना आए, ये फिल्म अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यदि मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैं आज भी तुमसे कुछ मांग रहा हूं, दोगी? हाँ? तो प्रॉमिस मी, तुम इस फिल्म में बहुत अच्छे से काम करोगी, बहुत मेहनत करोगी। जब तक ये फिल्म कंप्लीट ना हो जाए ना, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, किसी के बारे में नहीं सोचोगी, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचोगी, मेरे बारे में भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए थी, कोई भी परिस्थिति हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये किरदार दिखाई देगा और कुछ नहीं। विधि,
जिस तरह अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखती थी ना, उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारा टारगेट दिखेगा और कुछ नहीं। प्रॉमिस मी, अब यही हमारा प्यार है और तुम हमारे प्यार को झुकने नहीं दोगी। हाँ प्रेम, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस रोल के लिए जी जान एक कर दूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। पापा का सपना, तुम्हारा प्यार और बस्ती के लोगों की उम्मीदों को मैं नाकाम नहीं होने दूंगी। प्रेम, अगर मैं कभी गिर जाऊं तो तुम मुझे मत उठाना, बल्कि मुझे अपने आप उठने की हिम्मत देना। मैं वादा करती हूं तुमसे, मैं तुम्हारा सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। वैसे आज मैं भी गई थी भगवान के पास कुछ पर्सनल बातें करने। प्रेम, कल से शूटिंग नहीं बल्कि हम दोनों की तपश्चर्या शुरू हो रही है। वैसे एक प्रॉमिस तुम भी करोगे मुझसे? मेरी फिल्म के रिलीज होते ही तुम तुम्हारा करियर फिर से शुरू कर दोगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो इसी बात पे भगवान का प्रसाद खा के मुंह मीठा करते हैं। पापा सो गए। पापा बिल्कुल बच्चे की तरह सोते हैं। संजना सेठ, तुम कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन से ख्यालों में खोई? बस कुछ पुरानी यादें। बरसों पहले की बात है, तभी मल्टीप्लेक्सेस नहीं हुआ करते थे, तभी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, तभी तो ना टेलीविजन पे ना डीवीडी पे हम फिल्म देख पाते थे। उस वक्त की बात है, मेरे पापा बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, जब उनकी फिल्म थिएटर्स में लगती थी ना तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। मैं बहुत छोटी थी, बस कुछ कुछ बातें याद है। पापा का प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, का नाम था विक्रमजीत प्रोडक्शन। पापा की इतनी इज्जत थी, इतना नाम था, बहुत बेहतरीन फिल्म्स बनाते थे पापा। उनकी कुछ फिल्म्स तो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी थी। उनकी फिल्म्स इतनी प्यारी थी, ये सब लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। आज बरसों बीत गए, वक्त के साथ साथ लोग पापा के प्रोडक्शन हाउस के नाम को भी भूल चुके हैं।
मैं गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन लोग जो नाम भूल चुके हैं उन्हें फिर से सबके सामने ला सकती। कल से हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। ये दिन देखने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी है। हमारी फिल्म पापा के नाम के बैनर से बनेगी। विक्रमजीत प्रोडक्शन। पापा आप जाग गए? पापा 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 याद है मैं आपको फिल्म की बातें करती थी और कहानी की बातें करती थी, हाँ, कि फिल्म क्या होती है, फिल्म कैसे बनती है। हाँ पापा आपको याद है, कल ना एक फिल्म बनने जा रही है। हाँ पापा आपके लिए, आप देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच्ची अगर जब फिल्म बन जाएगी ना तो मैं आपको देखने ले जाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा पापा। वहां पे जब फिल्म बनेगी, जब फिल्म शुरू होगी ना तो शुरुआत में प्रोड्यूसर क्रेडिट में आपका नाम आएगा, विक्रमजीत गुजराल। पापा आपका नाम विक्रमजीत गुजराल है, आपको याद है ना? आपको तो ये भी नहीं याद कि आपका नाम विक्रमजीत गुजराल है। लेकिन मैं आपके साथ साथ पूरी दुनिया को याद दिलाऊंगी कि आपका नाम विक्रमजीत गुजराल है। तक नहीं यहाँ पे, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था अभी। चलो रोल कैमरा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नांची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव
लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरर सुंड वक्र तुंड त्रिनना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव रत्नाकर चितपारा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केसरा जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। अविनाश नारियल दो मैडम को दो। गणपति बाप्पा चलो गाइस लेट्स गो फॉर टेक कम ऑन कम ऑन कम ऑन चलो चलो चलो। अच्छा दादा इधर आइए मेरे पास। प्रेम, प्रेम कहाँ हो तुम? अच्छा शूट शुरू हो रही है और मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आए तक नहीं यहाँ पे। तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था अभी। पास नहीं विधि, साथ। मैं तुम्हारे साथ ही तो हमेशा। प्रेम क्या कह रहे हो तुम? भी अच्छा आंखें बंद करो। ओके मैं दिखाई दिया तो फिर इतना तो साथ हूँ तुम्हारे। फिर भी आज अगर तुम साथ होते प्रेम तो आज नहीं, आज तुम्हारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। मैं शूटिंग फ्लोर पर नहीं आना चाहता। क्यों? यदि देखो नाराज मत हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ फिल्म पर जान दो, अच्छे से एक्टिंग करो। और जिस दिन तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी ना उस दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम सिनेमा के बड़े से बड़े पर्दे पर तुम्हारी फिल्म देखने, तुम्हारा सपना देखने साथ में जाएंगे। I need you. नहीं विजय, नहीं। मैं शूटिंग पर हाजिर रहा तो तुम मेरी और देखोगे, मेरे बारे में सोचोगे। विधि मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता। कम ऑन अब हंस भी दो। ठीक है। सच में विधि आज दिल से विश करता हूँ तुम्हें। थैंक यू। चलो अब शूटिंग पर ध्यान दो। और विधि तुम अकेली नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भूलना मत। आई लव यू। तुम कुछ नहीं कहोगे मुझसे? मी टू। अच्छा अभी तुम शूटिंग पर ध्यान दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। व्हाट इज दिस थिंग? मैंने कल तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि सेट पे सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की बातें होंगी। कहा था ना मैंने? देखो तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी मेहनत सिर्फ इस फिल्म पे होनी चाहिए। देखो सपने देखने के दिन चले गए, अभी उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी इस फिल्म पे। Is it clear? Yes, sir. Give me the phone. Let's go for take. Feel clear? चलो बाहर निकलो सब लोग। I trust you with my life, follow? Give me a good take. आंसू सूख चुके हैं, इस गांव में पानी कहां से लाओगी?
देखो बेहतरीन शॉट चाहिए मुझे, ऑलराइट? रोल कैमरा। रोलिंग। एक्शन। बाबूजी, आपने बुलाया? बहू, पूरे गांव में एक आखिरी कुआं बचा था, वो भी आज सूख चुका है। खेतों में धान सूरज की गर्मी से उग नहीं रहा बल्कि जल रहा है। आंखों पर हाथ रखे कब से बारिश का इंतजार कर रहे थे और कब तक इंतजार करेंगे? बहू, तुम अपने घर वापस चली जाओ। नहीं बाबूजी। सुना है इस बार वहां बारिश है। बाबूजी, इस घर में मेरी डोली आई थी, अब वापस से वर्थी जाएगी। जिद मत करो बहू, वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारे जीवन में सूखा ही पड़ा है। तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग सूखने से पहले ही तुम्हारी मांग के सिंदूर का रंग उड़ चुका था। बाबूजी, हाथों की मेहंदी के रंग सूखने से रिश्ते तो नहीं सूख जाते ना? मैं आपके घर में आपकी बहू बनकर और इस गांव की बेटी बनकर आई। मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊं। बहू, आंसू सूख चुके हैं, इस गांव में पानी कहां से लाओगी? आंसू सूख चुके हैं ना बाबूजी, उम्मीदें नहीं। करेक्ट। इससे बेहतर मुहूर्त शॉट हो ही नहीं सकता। माइंड ब्लोइंग। तालियां सब लोग, सुपर्ब तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया, मजा आ गया, सुपर्ब। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड शॉट। थैंक यू। मेरे सपनों में रंग भरने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आज मेरे इस कैरेक्टर को सबके सामने जिंदा कर दिया। मुझे खुशी है। I'll try my best, sense. I'm sure. चलो ठीक है, जाके देखो रेडी करें। कौन फास्ट? दादा मैं सोच रहा था ना जिमी जिप शॉट चाहिए मुझे। Yeah. Really a good shot. Amazing. I'm impressed. Thank you. You know what I believe in? जब ऑडियंस हमारी फिल्म की तारीफ करेगी, क्या फिल्म बनाई, क्या परफॉर्मेंस, क्या कैमरा वर्क, वो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। Come on, go get ready for the next shot. Hmm? Yes, sir. All the best. अगर मैं चाह रहा था कि मुझे ना एक जिमी जिप शॉट चाहिए, एक ऊपर से नीचे आ रहे हैं, then we follow both of them like this. और अपने 13 साल में 16 फिल्में डायरेक्ट की हैं, मैंने 18 साल में 23 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसे इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा डायरेक्टर यहाँ पर लाके खड़ा कर दूँ। समझ गए आप? ये फिल्म आपके लिए सिर्फ एक फिल्म होगी, लेकिन मेरे लिए ये फिल्म जंग है। जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू करो, वरना आप